नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहां पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 15th and 16th of January 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को आप लोग अवेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उसे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हमारा ऐप भी दोस्तों इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, वहां पर जाकर आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत कुछ है आज इस वीडियो में जानने के लिए, इसलिए एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहली न्यूज के ऊपर दोस्तों। तो पहली न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर आ गई है। न्यूज नंबर 1, नेशन सेलिब्रेट्स नेशनल यूथ डे ऑन January 12th, राइट। तो यहाँ पर क्या बता रहा है दोस्तों कि नेशन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है, मतलब हमारा इंडिया यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है क्या, नेशनल यूथ डे है ना, एवरी ईयर ऑन January 12th, मतलब 12 जनवरी को यहाँ पर हम हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे है ना, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। एवरी ईयर ऑन दिस ओकेजन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज नेशनल यूथ फेस्टिवल इन collaboration with one state willing to host on January 12th to January 16th. This year, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the festival on January 12th in Hubali, Karnataka. Objective kya hai iska? To come together in attempt to showcase their talents in various activities. Okay? Bahut sari activities mein ek saath judkar socio culture aspects jo apni life ke ya opportunity jo provide karni hai, interact karna hai artists ke saath, और या फिर यंग आर्टिस्ट के साथ, एमेच्योर आर्टिस्ट के साथ, उन सब के साथ यहाँ पर मिलकर बेसिकली आपको पता है दोस्तों, आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हमेशा यूथ को क्या किया है दोस्तों, बूस्ट किया है आगे बढ़ने के लिए युवा पीढ़ी को, तो वो हमेशा चाहते थे कि जो युवक है, जो देश के यूथ है, उन्हें नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया जाए दोस्तों, फोकस किया जाए, ठीक है। तो द सेंटर स्टेट the center said the festival is held to provide exposure to youth at a national level, and this year's theme of the 4-day program is Viksit Yuva Viksit Bharat, developed youth developed India, right? Bada simple hai ye, easy hai, koi problem isme nahi aayegi aap logo ko, right? Acha iska question kaise ban sakta hai, what is the theme of national youth festival 2023? To yahan par theme kya hoga uska ye aap dekh lo, to theme ho jayega developed youth developed India. Bahut khoobsurat pyari si theme hai, ठीक है, बड़ी सुंदर है, बहुत इजी है और बहुत मोटिवेटेड भी है कि डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया, राइट। ऑब्वियसली कि अगर हमारा जो न्यू ब्लड है वो डेवलप्ड रहा और उनको आगे बढ़ने के बहुत सारे स्कोप्स मिले, हेल्प मिली, तो इंडिया भी डेवलप होगा ही, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। विकास पुरोहित इज द न्यू ग्लोबल बिजनेस हेड ऑफ मेटा इन इंडिया। क्या है दोस्तों ये, तो मेटा अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर टाटा सीलिक CEO Vikas Purohit as a director of Global Business Group in India. In his new role, Purohit will lead the Meta strategic relationship with various brands and agencies to boost the adoption of digital tools for revenue growth and India's business, right? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो भी मेटा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, ठीक है, मतलब जो मेटा कंपनी है उनके जितने भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स है, ठीक है, उसको लीड करेंगे अब कौन, विकास पुरोहित, जो कि फॉर्मर टाटा में काम चुके, टाटा सी लिक में काम कर चुके हैं, वहां के सीईओ रह चुके हैं, और अब यहाँ पर बन गए क्या, ग्लोबल हेड, ग्लोबल बिजनेस हेड, है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ मेटास ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा आपका विकास पुरोहित। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर, बड़ा शॉर्ट है और बिल्कुल सिंपल स्वीट है, इंटरनेशनल अफेयर्स है ये, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गबन नेम्स वाइस प्रेसिडेंट एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो गबोन्स का प्रेसिडेंट अली बोंगो अपॉइंटेड एज कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रोज क्रिस्टियाने
टू द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड नेम द न्यू पीएम टू रिप्लेस हर, राइट। तो बड़ा सिंपल है कि यहां पर ये पहली महिला पीएम बनी है, ठीक है, गबॉन की। सिंपल नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नाम हो जाएगा अलेन क्लॉडे बिली बाइनेस, राइट। थोड़ा सा मुश्किल है बट उतना भी नहीं कि आप याद ना कर पाए, ठीक है। आप निमोनिक बनाकर इनका नाम याद कर सकते हैं। और इंटरनेशनल अफेयर्स है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बट चांसेस 50-50 है आपके एग्जाम में देखने के लिए, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स प्रपोजल वर्थ रुपीज 4,276 करोड़ फॉर एंटी टैंक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, राइट। तो यहां पर बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि वो 4,276 करोड़ रुपए, ठीक है, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए, एयर डिफेंस मिसाइल्स के लिए। उसके बारे में पूरी बात हम करते हैं। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड 3 प्रपोजल वर्थ रुपीज 4,276 करोड़ रुपीज टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज डेटरेंस एंड कॉम्पैक्ट रेडीनेस, डिफेंस मिनिस्ट्री सेड अ मीटिंग ऑन द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, राइट। तो बहुत ईजी है, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, उनको प्रोक्योर करेंगे, उनका अप्रूवल मिल गया। और टोटल वर्थ कितना है इसका, 4,200+ करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, अप्रूवल है। अच्छा, ये अप्रूवल किसके द्वारा है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा है यहाँ पर, ठीक है। और दिस मिसाइल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ एडवांस्ड हाई हेलीकॉप्टर फॉर काउंटरिंग एनिमी थ्रेट्स, राइट। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ये जो मिसाइल है ये बेसिकली एनिमी थ्रेट्स, ठीक है, एनिमी थ्रेट्स और वेपनाइजेशन को फोकस करते हुए यहाँ पर है। और सिंपल बात यह है कि ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अंडर में सारी चीजें रहेगी। तो आप ये बोल सकते हो कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, तो डिफेंस मिनिस्ट्री रहेगी। और अगर किसी पर्सन का नाम पूछे तो डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को टोटल फंड आउटले पे दोस्तों मिल सकता है कि ये हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है इसका प्रोक्योरमेंट का जो पूरा प्रोजेक्ट है उस पर कितने रुपए यहाँ पर टोटल कॉस्ट यहाँ पर जा रही है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर 4,276 करोड़ रुपए रहेगी, ठीक है। तो ये आप इधर क्या करना है, ध्यान रखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन किस भी मैनर में, किस भी मैटर में या किसी भी फेज में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप हर एक पॉइंट को, बुलेट पॉइंट को नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम आएंगे तो डेफिनेटली डिटेल स्टडी करना वाली थोड़ी मुश्किल होता है उस टाइम, तो उस टाइम बुलेट पॉइंट्स का सहारा ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर। अ बुक ऑन जादूनामा रिटन ऑन वेतरन राइटर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर बाय अरविंद मंडोले, ठीक है। तो जादूनामा बुक का नाम है, बड़ा इजी नाम है, आपको याद हो जाएगा। लिरिसिस्ट किया है इनको जावेद अख्तर ने, ठीक है, बाय अरविंद मंडोले, ठीक है। तो देखिए क्या है ये बेसिकली, तो जादूनामा अ बुक रिटन ऑन वेतरन राइटर और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर by Arvind Mandolai was released and Javed's wife actor Shabana Azmi and children Zoya and Farhan Akhtar were present at the book launch. Farhan's wife actor Shivani Dandekar also attended the event. So Jadunama is all about a writer, poet and lyricist of political activist that is Javed Akhtar aur unki life aur unke bilkul close jaise unke bacche aur unki biwi, right. To yahan par dosto ye dekh sakte hain aap iski photo jo is puri cheez ko justify yahan par कर रही है। नाम ध्यान रखना, जादूनामा वैसे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो द बुक जादूनामा ऑथर्ड बाय अरविंद मंडोलाई वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2023 एंड द बुक इज रिटन ऑन हु अमंग द फॉलोइंग, तो करेक्ट हो जाएगा आपका जावेद अख्तर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। उत्तराखंड गवर्नर अप्रूव्ड 30% विमेन रिजर्वेशन बिल, क्या है ये दोस्तों। तो यहाँ पर पहला ऐसा स्टेट बना है इंडिया का जो कि अप्रूव करेगा 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड डोमिसाइल वुमेन ऑफ द स्टेट इन द गवर्नमेंट जॉब्स। बेसिकली 100% उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब्स में से 30% डायरेक्टली वहां की जो लेडीज है जिनके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का, और दोस्तों 30% पूरी तरीके से वुमेन रिजर्वेशन रहेगा। द स्टेट असेंबली ऑफ उत्तराखंड पास द उत्तराखंड पुलिस सर्विसेज बिल ऑन नवंबर 26, 2022 एंड द कंसेंट ऑफ गवर्नर हैज नाउ मेड द बिल इनटू एन एक्ट। क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, पहले एक्ट बनता है, ठीक है, पहले बिल बनता है, सॉरी, ठीक है, बिल बनने के बाद एक्ट बनता है अगर उस पर गवर्नर हाजिरी दे दे तो, ठीक है, और उस पर प्रेसिडेंट के साइन भी होते हैं, वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, राइट। वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल टू प्रोवाइड वुमेन ऑफ द स्टेट टू लीगल राइट ऑफ 30% रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका उत्तराखंड, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। नासा नेम्ड इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट एसी चरानिया एज चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, क्या है ये दोस्तों। तो एन इंडियन अमेरिकन एरोस्पेस इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैज बीन अपॉइंटेड नासा
न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट टू सर्व एज प्रिंसिपल एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन एंड आर टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स एट द स्पेस एजेंसीज हेडक्वार्टर. एसी चरानिया ज्वाइन द स्पेस एजेंसी इन हिज न्यू रोल ऑन जनवरी 3. इन्होंने रिप्लेस किया है भव्य लाल को. ठीक है, तो रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन बनता है, मैंने बताया है आपको, और आपको इधर क्या करना है उस पर गौर करना है, ध्यान रखना है ना. अच्छा, कैसे बन सकता है क्वेश्चन? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज नासा न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट? तो करेक्ट हो जाएगा आपका एसी चरानिया. आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर. नेशनल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया गया 11 से लेकर 17 जनवरी तक. स्वच्छता पखवाड़ा, ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा इसका क्या है, प्रोपेगेंडा एजेंडा है, ठीक है, और सेफर रोड्स के लिए है. रोड सेफ्टी वीक, जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जितने भी कुछ कंट्री में होते हैं, रोड सेफ्टी के लिए बेसिकली है. कंट्रीब्यूट करेगा किसको, जनरल पब्लिक को, और अपॉर्चुनिटी है स्टेक होल्डर्स की कि वो रोड सेफ्टी के कॉज में अपना दोस्तों बेसिकली कंट्रीब्यूट कर सके. दिस इंक्लूड्स वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स रिलेटेड टू कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड मेजर्स एंड वेरियस एक्टिविटीज विद स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स ड्राइवर्स एंड अदर रोड यूजर्स हैव बीन प्लान्ड, राइट. तो ये बड़ा सिंपल है और बड़ा इजी है, तो ये आपको क्या करना है, इधर ध्यान रखना है ना. इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्विंग द रोड सेफ्टी वीक फ्रॉम डैश एंड दिस इज द प्रोपेगेंडा फॉर द सेफर रोड्स ऑफ ऑल फॉर द स्वच्छता पखवाड़ा. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 11 से लेकर 17 जनवरी तक ये रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर. स्कूल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया सून टू लर्न पंजाबी. तो नाउ पंजाबी इज ऑल सेट टू टॉट इन पब्लिक स्कूल्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. द लैंग्वेज इज ऑल सेट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्कूल करिकुलम एंड द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग द पंजाबी एज अ न्यूएस्ट लैंग्वेज आफ्टर 2021 सेंसस शोड दैट इट वॉज द फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन ऑस्ट्रेलिया विद मोर देन 239,000 पीपल यूजिंग इट एज होम, राइट. तो यहां पर अब ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी लैंग्वेज भी दोस्तों क्या होगी, सिलेबस का पार्ट होगी, सिखाई जाएगी बच्चों को, जो कि बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर, राइट. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑल सेट टू टॉट पंजाबी इन पब्लिक स्कूल्स? तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, राइट. नेक्स्ट चलते दोस्तों लास्ट आज की हमारी न्यूज है न्यूज नंबर 10 के ऊपर. वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो 6.9% इन फाइनेंशियल ईयर 23. तो इंडिया ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्लो टू 6.9% इन फाइनेंशियल ईयर 23 एट 0.6% डिक्रीजेस सिंस जून एज अ ग्लोबल इकोनॉमी एंड राइजिंग अनसर्टेनिटी वे ऑन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर दोस्तों इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन यहाँ पर बता रहा है, 6.9% की ग्रोथ यहाँ पर बताई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23, राइट. तो यहां पर वर्ल्ड बैंक जो कि आईबीआरडी भी बोलते हैं उनका ये मानना है. इस पर आपको क्वेश्चन कैसे देखने को आपको मिल सकता है, तो डायरेक्टली आपका परसेंटेज पर क्वेश्चन यहां पर पूछ लेगा. तो वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट्स इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो डैश इन फाइनेंशियल ईयर 23, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, 6.9%, राइट. तो ये था आपका पूरा आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, जहां पर हमने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद डिटेल क्या किए डिस्कस किए. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स रिलेटिव ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. टेलीग्राम पर डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग, वीडियोस के लिंक पीडीएफ एमसीक्यू सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलेगा. साथ ही साथ बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.